सलाम अलैकुम। तो कैसे हो मेरे भाई लोग? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से और खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब का जो लेटेस्ट कुछ न्यूज़ खबर आ रहा है। तो हम बात कर लेते हैं पहली खबर के बारे में। एक बंदा नबूवत का दावा कर रहा था, झूठा दावा कर रहा था, उसको पकड़ा गया है। सऊदी अरब के सिटी रियाद से वो बंदा को पकड़ा गया है जो खुदाई का झूठा दावा कर रहा था। सबा वेबसाइट के मुताबिक कहा गया है कि ये बंदा ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए खुदाई का दावा कर रहा था और उसके बाद में सिक्योरिटी एहलकारों को भी भला बुरा कह रहा था। तो आप लोगों को पता है ये सऊदी अरबिया है। सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, यूएई और कतर हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया, ये सब देशों में यानी बाहर कंट्रियों में ट्विटर पर अगर कोई कुछ कहता है, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया, वहाँ के पब्लिक के खिलाफ कुछ बोल दिया, सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ बोल दिया, ये बचते नहीं है ट्विटर पर। हमारा इंडिया है, वहाँ पर हम कुछ भी कह लें, कुछ भी मोदी को गाली दे दें और किसी को दे दें तो कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई लोग। यहाँ पर जो भी बंदा कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ या सिक्योरिटी के खिलाफ बोलता है वो पकड़ा जाता है। तो ऐसे ये भी बंदा था जो खुदाई का झूठा दावा कर रहा था, तो इसको पकड़ लिए हैं। सबब वेबसाइट के मुताबिक कहा गया है कि ये बंदा लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। इसको पकड़ा गया है और इससे पूछताछ हो रहा है। उसके बाद पूछताछ करने के बाद इसको पब्लिक क्रिसियन के हवाले कर दिया जाएगा। तो भाई लोग, अगर आप लोग भी सऊदी अरबिया में रहते हो तो आप लोग ट्विटर पर कोई भी ऐसे गलती ना करना, कोई भी ऐसे पोस्ट को शेयर ना करना जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो या यहाँ के पब्लिक या सिक्योरिटी के खिलाफ हो, नहीं तो आप लोग के लिए भी बड़ा से बड़ा मुसीबत बन सकता है, आप लोग भी पकड़े जाओगे। हमारा इंडिया नहीं है, हमारे इंडिया में किसी को भी गाली दे दो, कुछ भी कर दो, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। हाँ, दो चार केस ऐसे हैं जो ट्विटर के द्वारा पकड़े गए हैं। उस पर इंडिया में क्या होता है, ज़्यादातर उस पर ट्विटर पर जब कोई कुछ शेयर करता है तो उस पर सवाल उठाते हैं सब, ज़्यादा गाली देता है तो ट्विटर वाला जो है उसको सस्पेंड कर देता है। आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें विराट कोहली कप्तान थे, तो उन्होंने हार गए थे। चलो वो तो मैच है, हार जीत तो लगा रहता है, कोई एक आदमी, कोई एक कंट्री तो जीतता ही, चाहे हमारे पाकिस्तान भाई लोग जीते चाहे इंडिया, एक तो जीतेगा, वो तो खेल है, उसमें हार जीत तो होता रहता है। तो एक बंदा था जो मुस्लिम के नाम से आईडी चला रहा था और वो था हिंदू था, वो मुस्लिम को यानी बदनाम करने के लिए मुस्लिम के नाम से आईडी डाला था। उसने ट्विटर पर अपने पोस्ट किया था विराट कोहली के बच्ची को लेकर, जो अभी कितनी दिन की है, वो तकरीबन एक साल की होगी, उसको गंदी 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 अभद्र, विराट कोहली के बच्ची के बारे में अभद्र शब्द, गंदा गंदा पोस्ट। तो खुद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों जाकर उसके नाम से केस किए थे उसको पकड़ने के लिए। तो वही एक केस था जो जांच पड़ताल के बाद उसको पकड़ा गया था। वो पकड़ने के बाद में पता चला कि वो मुस्लिम के नाम से आईडी चला रहा था लेकिन वो था हिंदू और वो बंदा ग्रेजुएट था। तो इंडिया में ही दो एक दो चार केस आए होंगे ऐसे, नहीं तो उतना नहीं होता इंडिया में, गाली वाली दे दो, कुछ भी दे दो। लेकिन सऊदी अरबिया में भाई लोग होता है, आप लोग को पता है, कोई भी कुछ करता है तो वो पकड़ा जाता है। दुबई में भी अभी कुछ दिन पहले मसला हुआ था, मुस्लिम के खिलाफ सब बोले थे तो उनको भी पकड़ा गया था। आप लोग को पता ही होगा, दो चार लोग जो बैंक वैंक में काम कर रहे थे तो हमेशा मुस्लिम के खिलाफ वो जब काम से घर पे जाते थे तो भड़काते रहते थे ट्विटर पे, गंदी गंदी बात मुस्लिम के बारे में बोलते रहते थे, तो उनको भी पकड़ा गया था। तो मेरे भाई लोग, अगर आप लोग भी सऊदी अरब में रह रहे हो तो ना गवर्नमेंट के खिलाफ, ना यहाँ के पब्लिक के खिलाफ, ना सिक्योरिटी, ना पुलिस के खिलाफ, ना आर्मी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई भी ट्विटर पर या कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करना, नहीं तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन सकता है। वो आप लोग पकड़े जाओगे, लोकेशन आपके ट्रेस करके पकड़ लेंगे, आप कहीं भी भाग जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ तो आप पकड़े जाओगे। आप लोगों ने देखा होगा कुवैत का एक वीडियो था, खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बंदा वहाँ कुवैत में काम कर रहा था, कुवैती के घर में, उसका हाउस ड्राइवरी का काम था, तो वो भी ऐसे जहर उगल रहा था मुस्लिम के खिलाफ, कमेंट कर रहा था, पोस्ट कर रहा था, तो उसको भी उसके कुवैती खुद पकड़ा था, उसको बाहर निकाल कर रूम से सब बहुत मार रहे थे। मारने के बाद उसको कुवैत से डिपोर्ट करके इंडिया भेज दिया गया। वीडियो वायरल हुआ था, जो मुस्लिम के साथ था, खा रहा था मुस्लिम के साथ में, रह भी रहा था, सो रहा था, उसके बाद कमेंट और पोस्ट करता था मुस्लिम के खिलाफ, वो बंदे खुद रूम में पकड़े थे, उसको मार रहे थे, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाले थे। तो भाई लोग, अगर आप लोग भी अरब देशों में रहते हैं, कंट्रियों में, तो आप लोग ऐसा गलती ना करें, यहाँ के मुस्लिम के खिलाफ या इनके जो भी गवर्नमेंट है उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ कुछ ना बोले, ना कुछ कहें, ना कुछ पोस्ट शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए भाई लोग, मेरा भी चैनल नया है, आप लोग हमें लाइक करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।